तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 14 फरवरी को पुलवामा टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसमें कुछ 44 हमारे जो सैनिक है वो मारे गए, शहीद हो गए। तो आज मैं पूरा स्टोरी आपको शेयर नहीं करूँगा बिकॉज आपने कई सारे वीडियोस देखे, आपको पता है कि असल स्टोरी क्या है। मैं बस सॉल्यूशंस और ये सब क्यों हो रहा है इसके बारे में आज स्टूडियो में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमेशा हमारे रैंडम कमेंट विनर में कोई ना कोई विनर निकलता है, तो मैं आज जो विनर रखूंगा ये मैं रैंडमली नहीं रखूंगा। हमारा जो स्क्रीन है वही डिसाइड करेगा कि आज का रैंडम कमेंट विनर कौन है। दोस्तों, जैसा कि जो विनर है वो तो हमेशा के लिए, मतलब वो तो सबका ही विनर है और इसी की वजह से हम यहाँ पर आज है, क्योंकि तो ये जो भी घटना जो हुई थी, यानी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न दोस्तों हमारे खुद के लोग ही है। खुद के लोग जैसे कि जिस तरह से यहाँ पर जा रहे थे वो, और अचानक से कोई एक बहुत ही भारी वाला एक्सप्लोजिव आकर टक्कर कर देता है और उसी में 44 समथिंग सैनिकों की वहीं पर शहीद, वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये मुझे नॉर्मल बात नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इतना तो उनको पता नहीं होगा कि यहाँ से ये लोग जाने वाले हैं, तो उनको ये खबर कहाँ से हुई कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग, ये सैनिक आने वाले हैं। तो उनको खबर देने वाला जो है वो भी असली गुनहगार है। अब दोस्तों, ये जो घटना जो हुई है इसके पीछे का मकसद क्या है ये पता लगाने, और ये सब कौन कर रहा है, मकसद क्या है। मकसद दोस्तों आपको पता है कि चुनाव भी आने वाला है और उसके पहले ही ये सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स इंडिया का इतना गंदा है, मतलब ये पॉलिटिक्स जन जो भी होते हैं ना यार, ये कुछ भी कर देते हैं अपने सीट को हासिल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर जो भी पॉलिटिशियन ये निकलता है भाई, उसको भी गोली से उड़ा दो, क्योंकि ये सभी लोग देश के दुश्मन है। अब दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि खान बाबा करके एक आदमी जो काफ़ी पहले इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे ट्रोल कर रहे थे और इंडियन आर्मी को भी वो ट्रोल कर रहे थे, मतलब वो कमज़ोर है वगैरह वगैरह बोल के, और इन्होंने एक वीडियो भी इनका एक बनाया जिसमें इन्होंने ये बताया कि हिरोशिमा में जो अटैक किया है द सेम अटैक इंडिया में भी करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। ये एक बंदा, एक पागल बंदा है, सांड जैसा है। तो मैं कहीं ना कहीं दोस्तों शक का दायरा इस पर भी जाता है, क्योंकि इसी ने ही पहले धमकी ऐसी दी थी। अब शक का जो मेरा नज़र है वो इसी की तरफ भी है, क्योंकि यही बंदा काफ़ी दिन तक मतलब ट्रोल कर रहा था और यही चीज़ को बार बार दोहरा रहा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा जो शक है वो इस पर जाता ही है, पर दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों एक लॉजिक बन रहा है यहाँ पर, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, वो तो यही लोग पता लगा सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो सच्चाई है वो जल्दी पता करे। अब दोस्तों, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? दोस्तों आपको पता है कि जो अटैक हुआ है, यानी कि हिंदू मुसलमान को फिर से लड़ाने के लिए भी ये हो सकता है, लेकिन इसका असली मकसद अब तक पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखो, अगर हम स्ट्राइक करते या फिर हम किसी से लड़ते तो हम हमारा ही नुकसान करके, तो हमारा ही हम नुकसान करके ले रहे, तो ऐसे में हमें ये काम का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो काम जो कर रहे हैं वो कौन है? अगर ये काम दोस्तों दो में से कोई एक जन कर सकता है, या तो पाकिस्तान कर सकता है या फिर कोई पॉलिटिशियन का ये हाथ है। अगर ये पाकिस्तान कर रहा है सैनिकों को जितने मारा जाए, जो जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोटेक्ट कर रहा है मिलिट्रीज इंडिया के, तो अगर ये जो लोग हैं उसी के लिए उनको अगर मारे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों इनका सज़ा का ये हकदार है। दोस्तों मैं ये ही कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट, तो मेरा तो कोई इतना बड़ा तो आवाज़ नहीं है, मैं इतना कोई बड़ा तो नहीं हूँ, तो बस मैं इंडियन गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि इंडिया और भी कई देश है, आप मिलजुल कर ऐसा एक आप डिसीजन ले सकते, यानी कि जितने भी टेररिस्ट है इस पूरे वर्ल्ड में उनका एक अलग ही एक दुनिया है, आप उनके देश में जाकर जितने भी टेररिस्ट है सबको ख़त्म कर देना वहीं पर, यानी कि तभी ये सॉल्व हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो कंट्री है इसमें टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और टेररिज्म को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसे में काम किसका? पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तान को ही ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और ऐसे में ये अपने हाथ तो ऊपर नहीं कर खड़े कर सकते। तो ऐसे में एक सभी का एक जिम्मेदारी बन जाता है, क्योंकि जो टेररिस्ट है ये कहीं पर भी मतलब कुछ भी कर देता है, इनका जो कि बाप का राज है। तो ऐसे में क्या है कि एक ऐसा एक मतलब काम बनना चाहिए कि मतलब हर कंट्री यूनाइटेड होना चाहिए और जितने भी एरिया में, जितने भी दुनिया में जो टेररिस्ट है उनको सभी को ख़त्म कर देना चाहिए उसी वक्त पे। तो दोस्तों ऐसे कई सारे आपके भी कमेंट्स आए हैं, तो मैं अब आपके कमेंट्स ज़रा पढ़ने जाता हूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स है। पहला कमेंट है टकी अर्निंग का, वी नीड रिवेंज। तो देखो, रिवेंज बदला तो चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जान गंवाई है वो भी किसी का बेटा था, किसी का बाप था,
तो पक्का इस पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नवनाथ मौर्य कोई हमारे मुल्क का भी गद्दार है जो खबर पहुंचा रहा है पाकिस्तान को उन आतंकियों को छोड़ना नहीं चाहिए, खून का बदला खून। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, कोई हमारे अंडर कोई मिलिट्री शायद उनके अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ तक पहुंच रही है। और ये आपने सही कहा, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वही है असली टेररिस्ट, वही ये सब कुछ कर रहा है, तो देखते हैं। सोमनाथ पॉल, आई वॉन्ट वार। तो देखो, वार अगर हम उनसे करेंगे तो सही है, और इसके लिए हमको मतलब एक कंट्री का भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और ऐसे में क्या होगा कि इसमें हमारे देश का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात तो क्या है कि अगर हम डायरेक्टली अगर हम अटैक करेंगे अगर हमारे एरिया में, तो हमारा खुद का ही नुकसान होगा। तो ये भी एक देखने वाली बात है। वेदांत राजंकर बोलते हैं, वी वॉन्ट न्यूक्लियर वार इन आरएमए को मार डालेंगे और पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से हटा देंगे, कोई हमारा साथ दे या ना दे इन कुत्तों से बदला ज़रूर लेंगे। देखो अब हम जो है, अब आज मैं भी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे वीडियो से शायद किसी को ये मैसेज जाएगा। देखो जो करने वाले हैं वो यही है, मतलब जो समाज है, और हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं बहुत सारे, लेकिन हम इंडिया में रह के करेंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा। अगर हम कोई बंद करा देंगे कोई, तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा। हमें करना क्या है कि यही एक सरकार को एक डिसीजन लेना है कि मतलब जितने भी टेररिस्ट जितने भी दुनिया में बने हुए सभी को खात्मा करना है। और पहली बात तो पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज उनके ही कंट्री में ये सब कुछ हो रहा है, और उनको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। हेमराज कुशवा, रिमूव 370। तो आपने भी बिल्कुल सही कहा, जय हो बाबा बजरंग बली की, पाकिस्तान को मैप से ख़त्म करना है। देखो भाई, बहुत सारे लोग तो इस वक्त क्रोधित है, बहुत सारे लोग गुस्से में है कि ये जो हमला किया है इन्होंने, ये आपने सही नहीं किया है, और ये कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार पाकिस्तान भी है। ऑल इन वन पाकिस्तान को दिखा दो कितना दम है। पाकिस्तान तो यार मैं बता दूं कि मतलब एक ऐसा कंट्री है जो आज का अगर हम सेंसस की बात करें तो आज से 20 साल पहले चल रही है, मतलब आज जो हम काम कर रहे हैं उसके 20 साल मतलब पहले की जो काम है वो पाकिस्तान में हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2000 उनका ईयर कर रहा है। ऐसे में यार इनका एक सपोर्ट भी, इनको एक सपोर्ट था, हम लोग एक फेवर कंट्री में हमने एक दर्जा दिया था, वो भी इन्होंने गंवा दिया। जय हो बाबा जय बजरंग बली की, विदाउट पाकिस्तान आवर अर्थ आर वेरी ब्यूटीफुल। तो देखो पाकिस्तान में क्या है कि आतंकवादी पूरे लोग भरे हुए हैं, और इसी के वजह से पाकिस्तान का नाम पूरा ख़राब हुआ है। और पाकिस्तान सैनिक क्या कर रहे हो यार आप, मतलब क्या कर क्या रहे हो, मतलब आपके ही कंट्री के अंदर क्या, तो आपके ही कंट्री के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और ऐसे में जिम्मेदारी तो आपका ही बनता है, और आप ही ऐसे में हाथ ऊपर करके बैठेंगे तो इसमें आपका ही नाम आएगा। तो ये सही मुझे लगा बात, ये बात भी सही बिल्कुल आपने कही है। तेजस पाटिल, हमें जवाब तो देना ही होगा। तो देखो जवाब तो देना होगा, बस ऐसे में क्या है कि बस हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमको प्रॉब्लम हो। बस जो भी गवर्नमेंट होगा उसे भी प्रेशर में ज़्यादा डालना नहीं चाहिए, बिकॉज पहले से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखना है कि वो लोग निर्णय क्या लेते हैं। पीके भरद्वाज, चुनाव रोक दो पहले पाकिस्तान को ठोक दो। ये तो भाई लेकिन देखो पहली बात क्या है कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स है उनके साथ दंगा फसाद करके कोई मतलब, लेकिन यस जो पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान को हम कुछ करने रहे हैं और वो हमारे कर रहे हैं, वो हमारी ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है उनके साथ ऐसा कुछ करने का। संगीत सौरभ, अब हमें आतंकवादियों के विरोध में एकजुट होने की ज़रूरत है। यदि हमारे नेता अब भी राजनीति कर तो ये किसी काम के लायक नहीं है। अब हमें अपने जवान के साथ खड़े होकर आतंकवादी की जोड़ से उखाड़ना पड़ेगा। देखो ये तो मुझे कहीं, मैं आपको पता है कि दो रीज़न मुझे लग रहा है, या तो ये पाकिस्तानियों ने करवाया है या फिर ये पॉलिटिशियन का। मैं आपको पता है कि अभी चुनाव आ रहा है और चुनाव के टाइम ही ये कुछ हुआ है, तो भाई मैं बोलूँगा पॉलिटिशियन अगर ये करा तो उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। कुणाल 1637, आई हैड डब्ड इतनी कड़ी सिक्योरिटी के करियर बिसाइड वो एक्सप्लोसिव मटेरियल एंटर कैसे कर गया, ये तो सवाल है ना यार, इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी वो कैसे हो गया, मतलब इतने सारे गद्दार लोग अपने इसमें बैठे जो कि उनको सपोर्ट कर रहा है, और मतलब बेचारे लोग बेगुनाह लोगों की यार मतलब जान चली गई। तो ऐसे में ये बहुत बुरी बात हो गई है, और मैं ज़रा भी माफ़ नहीं करूँगा ये लोगों को जो भी ये लोग जो किए हैं।
और ये जो अगर ये जो घटना हुआ है इसमें हम लोगों को सीरियस लेना, इस घटना को मजाक में नहीं लेना। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने वीडियो बना दिया और एक दिन के बाद ख़त्म हो गया, भूल गया। बहुत सारे लोग इसी के अंदर अपना हाथ धो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सीरियसली उन्हों हर्ट हुआ है उन्हें, और इसी की वजह से वो वीडियो बना रहे। कुछ कुछ लोग तो यार ट्रेंडिंग टॉपिक समझ के ही वीडियो बना दे रहे हैं, तो ये मुझे सही नहीं लगा। तो लास्ट कमेंट है, लव ओनली, बस बदला चाहिए। देखो ये तो बहुत पुराना हो गया अभी, लेकिन इससे भी कुछ नया होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि जितने भी टेररिस्ट है, जितने भी पूरे वर्ल्ड में भरे हैं, तो पूरे जितने भी कंट्रीज़ है यूनाइटेड होना चाहिए और इन सबका खात्मा करना चाहिए। तब जाके मुझे लगता है जो पाकिस्तान जो कंट्री है ये टेररिस्ट को सप्लाईज करती है। बिकॉज इसी की वजह से क्या है कि इनका नाम भी ख़राब है, और टेररिस्ट का जब भी नाम आता है तो पाकिस्तान का सबसे पहला नाम आता है। और अभी तो इनका सपोर्ट भी चला गया, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इनका स्थिति ख़राब है। और ऐसे में ऐसा एक काम होना तो ये बहुत ही बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। और वैसे भी वो पछताए तो है ही, पछताएंगे भी आगे जाकर, क्योंकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और अगर ये पॉलिटिशियन की तरफ से निकलता है, जो भी पॉलिटिशियन हो जाना चाहिए, जो भी पॉलिटिशियन हो, मैं आपको उसी वक्त कहता हूँ उसका उसी वक्त उधर ही उसको उड़ा देना चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है। वीडियो को शेयर करें आप ज़रूर। तो मैं भी सोचा कि एक वीडियो मैं इसमें बना देता हूँ, हालांकि मैंने उस वक्त इस वीडियो में नहीं बना पाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छा कुछ सही चीज़ें बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे इन्फॉर्मेशन तो आपको दे ही दी, इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से आपको मिला भी है, कई कई जगह से आपको मिला, लेकिन मैं सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को पूरा शेयर करना, ठीक है। तो मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।